हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए जो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को यूज़ करते हैं और कभी कभी आपको जो अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने की नौबत पड़ती है, तब आपको जो है आप दो तरह से फॉर्मेट करते हैं अपने सिस्टम को। या तो आप DVD के जरिए से फॉर्मेट करते हैं या तो आप अपने पेन ड्राइव के जरिए से फॉर्मेट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से आप विंडोज 10 को पेन ड्राइव में जो है बूटेबल बना सकते हैं और उसका जो ISO फाइल होता है किस तरह से आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने DVD जो विंडोज 10 का जो DVD है उससे आप ISO फाइल को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है, सीखना है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक कर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पर, वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको विंडोज 10 को अगर USB पेन ड्राइव में या SD कार्ड में बूटेबल बनाना है तो इसके लिए आपको ISO फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और ISO फाइल को आप कहां से लाएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस तरह से आप ISO फाइल को अपने, अगर आपके पास विंडोज 10 का DVD कैसेट्स है तो उस कैसेट से आप ISO फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और मान के चलिए कि अगर आपके पास विंडोज 10 का जो DVD नहीं है तो आप ऑनलाइन ISO फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और अपने पेन ड्राइव USB में जो है आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको बूटेबल बनाने के लिए आपका पेन ड्राइव या आपका जो SD कार्ड है वो कम से कम 8 GB होनी चाहिए और जब आप उसे बूटेबल बनाएंगे तो आपको जो है उस पेन ड्राइव को या SD कार्ड को पूरी तरह से फॉर्मेट कर देना होगा और उसके बाद आपको जो है एक जो है मीडिया टूल जो है आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप रूफेस टूल से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी टूल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारे के सारे टूल जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक और आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सामने में यहाँ देख सकते हैं कि मीडिया क्रिएशन टूल, इस टूल को आपको डाउनलोड करना है और ये microsoft.com में आपको ये टूल मिलेगा और इसकी लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये कि हमें जो ये USB बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी हम अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं अपने DVD से, CD कैसेट से, तो मान के चलिए कि अगर हमारा DVD राइटर खराब है, DVD रूम हमारा खराब है, तो उस हालत में हमें जो है ये पेन ड्राइव की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो पेन ड्राइव के जरिए से हम अपने सिस्टम को बूट करा सकते हैं और हम अपने सिस्टम में जो है विंडो अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आजकल के सिस्टम अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो DVD राइटर का सिस्टम है वो हटा ही दिया गया है, सिर्फ पेन ड्राइव से ही आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की जो लिंक है ये मैंने यहाँ पे दे दी है, आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा मीडिया क्रिएशन टूल, इसे आपको ओपन करना है अपने सिस्टम में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं ISO फाइल को। और मान के चलिए अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप, अगर आपके पास विंडोज 10 का DVD है तो आप उससे DVD कैसेट से भी आप ISO फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूँ, फिर बाद में आपको मैं DVD के जरिए आपको क्रिएट करना दिखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप मीडिया क्रिएशन टूल को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो है इस तरह का आपके पास इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव पे आपको जो है यहाँ पे चेक लगा देना है, टिक लगा देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ इस तरह से आपको दिखेगा दो तरह का ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हैं USB फ्लैश ड्राइव, दूसरा ऑप्शन नीचे में है ISO फाइल। तो ISO फाइल पे आपको चेक लगाना है, टिक लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर के किसी ड्राइव में आपको इस फाइल को सेव कर लेना है ISO फाइल को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो ISO फाइल है ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और इस ISO फाइल को आपको डाउनलोड होने के लिए देना है पूरी 100%। और उसके बाद ये आपके सिस्टम में आपका जो सेव हो जाएगा ISO फाइल, तो उसके बाद आप इस ISO फाइल को आप अपने USB पेन ड्राइव में बूटेबल बना सकते हैं।
ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, किस तरह से आप जो है अपने विंडो 10 के जो डीवीडी कैसेट्स है उस कैसेट से आप आईएसओ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो 10 का जो डीवीडी कैसेट्स है इसे हमने अपने सीडी रूम में लगा दिया है। उसके बाद इस पर हम जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होनी चाहिए आईएसओ फाइल क्रिएट करने का, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और ये ऑप्शन इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इसमें जो है हमें डायरेक्टली आईएसओ फाइल का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इसमें जो है इंस्टॉल करना पड़ता है हमें अपने सिस्टम में, और वो सॉफ्टवेयर की भी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सामने देख सकते हैं दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है इसे आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, तभी आप डीवीडी प्लेयर को अपने सिस्टम में लगा करके जब राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आईएसओ फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए पहले हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर की भी जो लिंक है इसे मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में, उसके बाद आप अपने सिस्टम में जो है अपने डीवीडी रूम में आप विंडो 10 का डीवीडी कैसेट्स जब आप लगा देंगे, उसके बाद जब इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा आईएसओ फाइल क्रिएट करने का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएसओ फाइल क्रिएट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर में किसी ड्राइव में हमें सिलेक्ट करना है कि ये फाइल हमें कहाँ पर सेव करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में इस आईएसओ फाइल को आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो ये आईएसओ फाइल जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रिएट होकर के आपके जो कंप्यूटर के आप जिस ड्राइव में आप सिलेक्ट करेंगे उस ड्राइव में जा करके सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे जो विंडो 10 का जो डीवीडी कैसेट्स है इस डीवीडी कैसेट से हम इसका आईएसओ फाइल जो है अपने सिस्टम में जो है सेव कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे 100% होने के लिए देना है, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस आईएसओ फाइल को जो है अपने एसडी कार्ड अपने पेन ड्राइव में जो है इसे बूटेबल बनाएंगे अपने कंप्यूटर को अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करने के लिए। दोस्तों ये जो परसेंटेज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 100% तक जाएगा, और जब ये कंप्लीट लिख देगा तभी हमारा जो आईएसओ फाइल कंप्लीटली जो है सेव होगा, तभी जो हम उसका बूटेबल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आईएसओ फाइल अगर यहाँ पे जो है क्रिएट होने में अगर मिसिंग होगा, यदि अगर 100% नहीं हो पाएगा, यदि फाइल ख़राब हो जाएगा, तो इस फाइल को जब हम अपने यूएसबी पेन ड्राइव में या एसडी कार्ड में जब इसको हम बूटेबल बनाएंगे वो कंप्लीट जो है बूटेबल नहीं बन पाएगा और हमारा जो सिस्टम है वो फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे दिखाते हैं हम आपको कि किस तरह से आप अपने जो है आईएसओ फाइल को जो है अपने पेन ड्राइव में उसे बूटेबल बनाएंगे अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है, इसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो हमने अभी जो है अपना जो पेन ड्राइव या एसडी कार्ड अभी हमने अपने सिस्टम में नहीं लगाया है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें अपना जो पेन ड्राइव या एसडी कार्ड फॉर्मेट करके जो है अगर लगाएंगे, और वो पेन ड्राइव कम से कम 8 GB का होना चाहिए, जैसे हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका सिस्टम जो है कौन से सिस्टम का फॉर्मेट करना चाहते हैं, आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है। तो आपको अपने सिस्टम को जो है सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आईएसओ का जो इमेज है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डीवीडी का जो आइकन है, इस आइकॉन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस आइकॉन पर आप क्लिक करने के बाद आपको जो आईएसओ फाइल जिसे हमने क्रिएट किया था ऑनलाइन और जिसे हमने डीवीडी कैसेट के माध्यम से हमने क्रिएट किया था उस आईएसओ फाइल को हमें यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे हम इस आईएसओ फाइल को जो है सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेन ड्राइव है ये बूटेबल बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके किसी काम आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।